नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आज हस्त्रिका में आपको कुछ बुद्ध पर्वत के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पर्वत बताता हूँ कि बुद्ध पर्वत होता कहाँ है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये बुद्ध पर्वत है, ठीक है ना। बुद्ध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और ये गुरु पर्वत दोस्तों, और ये आपका है शुक्र पर्वत, ये आपका है चंद्र पर्वत, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आज आपको वीडियो में खाली बुद्ध पर्वत के बारे में बताऊँगा कि बुद्ध पर्वत अगर अच्छा है तो क्या क्या हमको लाभ होंगे। दोस्तों बुद्ध पर्वत पे ये अगर यहाँ पर ऐसी लाइनें हैं, ध्यान देना चीज़ को, ऐसी लाइनें हों, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और किसी किसी के चार भी होती है। दोस्तों अगर एक लाइन है और बड़ी है, गहरी है, तो बहुत ही भाग्यशाली है व्यक्ति, क्योंकि उसकी बोलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और बोलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो व्यापार दृष्टि से भी बहुत सक्षम होता है। दोस्तों अगर चार है तो वो भी सक्सेसफुल है दोस्तों, लेकिन एक लाइन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब चार वाली लाइन है, जो चार वाली लाइन है तो वो मार्केटिंग में और बिजनेस में बहुत सक्षम है और ऐसे लोग किसी को भी बातों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों इसका विशेष ध्यान दें, दोस्तों ये जो पर्वत है यहाँ पर एक लालिमा होनी चाहिए, उठा हुआ पर्वत होगा अगर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बिजनेस व्यापार के लिए। ये लाइन जो है सूर्य पर्वत के, ध्यान देना है दोस्तों, इसके फर्स्ट पोर तक आना चाहिए कम से कम। अगर फर्स्ट पोर तक कुंडली आ रही है और इससे ऊपर जा रही है तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो व्यक्ति या तो व्यापारी है या बहुत सक्सेसफुल इंसान है। अगर नहीं भी है दोस्तों तो आप चिंता ना करें, आप कर्म पे ध्यान दें, क्योंकि कर्मों से ही रेखा बदलती है, कर्मों से ही सक्सेसफुल होते हैं, और आप आज नहीं तो कल जरूर सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा विश्वास है। जितने भी मैंने हाथ देखे हैं, मेरे को पूरा अनुभव है कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे दोस्तों, ठीक है ना। और ये लाइन ये भी शो करती है दोस्तों कि आपका रहन सहन और रख रखाव कैसा है। दोस्तों आपको जहाँ भी चीज़ रखते हैं वो आपको वहीं इसी स्थान मिल जाएगी, आप कोई चीज़ रखने के यार भूलते नहीं हैं। ये आपकी लाइन स्टडी की लाइन बताती है, आप कैसे आपका स्टडी करते हैं, कैसे आपका रहन सहन है, ये बताती है दोस्तों। तो मैंने आज आपको खाली बुद्ध पर्वत के बारे में बताया है दोस्तों कि कैसे सक्सेसफुल इंसान का बुद्ध पर्वत होता है और किस लाइनों के बारे में बताया है कि सक्सेसफुल। और अधिकतर एक चीज़ और दोस्तों बता दूँ मैं आपको, तीन चार लाइन होने के बाद किसी किसी के एक लाइन अगर है बड़ी सी साथ में, तो अधिकतर वो व्यक्ति डॉक्टर के चांस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। वो डॉक्टर होता है, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो उसके भी ये निशान होता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।